तो गाइस एक और ट्रेड एक्सप्लेनेशन की वीडियो लेके आ चुका हूँ। और आज मैंने प्योरली प्राइजेक्शन के बेसिस पे अपने स्कैल्प ट्रेड किए हैं और आज मैंने टोटल 3 स्कैल्प किए थे, जिसमें 2 में टारगेट और 1 में स्टॉप लॉस गया है। तो कैसे गया है वो सब दिखाऊंगा, पर सबसे पहले चलते हैं टेलीग्राम पे। आप चाहो तो ये फ्री ऑफ कॉस्ट टेलीग्राम चैनल है मेरा, आप ज्वाइन कर सकते हो। मैं इस पर आपको डेली लेवल्स शेयर करते रहता हूँ और जो मैं खुद ट्रेड लेता हूँ वो मैं शेयर करते रहता हूँ। तो ये मैंने लेवल शेयर किए थे, ये मेरा पहला ट्रेड था प्रॉफिट, दूसरा ट्रेड में प्रॉफिट और तीसरे में स्टॉप लॉस हिट, जो मैं आपको चार्ट पे दिखाता हूँ। ठीक है, तो मैंने पहला ट्रेड कैसे किया, क्या लॉजिक था, वो सब मैं आपको यहाँ बताता हूँ। तो गाइस देखो, बस अपनी देखो प्राइजेक्शन क्या होता है ना, कि बस आपको अपनी आँखें खुली रखनी होती हैं और चीज़ों को ऑब्जर्व करना होता है कि लाइक मार्केट कैसा बिहेव कर रहा है। अब इसी चीज़ को बहुत लोग देखते हैं, पर बहुतों को लगता है कि भाई इसमें क्या समझने वाली बात है, पर मैं आपको बताऊंगा कि इसमें क्या समझना होता है। तो गाइस आप देखो, पहला चीज़ ये ऑब्जर्व करो, लाइक मार्केट यहाँ ओपन हुआ, इतना ऊपर गया, फिर ये क्या हुआ, 2 कैंडल में इस तरीके से नीचे आ गया। तो अगर आप सिर्फ स्पॉट को देखते हो, मतलब बैंक निफ्टी के चार्ट को देखते हो अगर, तो आपको क्या लगता है कि भाई 2 कैंडल ये भी बना था, 2 कैंडल ये भी बना है, इसमें ज़्यादा स्ट्रेंथ है क्योंकि ये प्रॉपर नीचे इसका जो जहाँ से ये ओपन हुआ था उसके नीचे आ गया है मार्केट। तो लाइक यहाँ से नीचे की तरफ कंटिन्यू कर सकता है। तो यहाँ लोग क्या करते हैं, शॉर्ट करने के लिए वो ज़्यादा मतलब उनका होता है कि हम शॉर्ट करेंगे अब। पर अगर आप कॉल का चार्ट देखते हो तो आपको दिखता है कि यार ओपन यहाँ हुआ, इतना ऊपर गया, पर स्पॉट पे वो नीचे आ गया था, पर कॉल के चार्ट पे उतना नीचे नहीं आया। तो इससे क्या पता चलता है कि लाइक जो बायर हैं, यानी जो लोग कॉल में काम कर रहे हैं, वो नहीं चाहते कि नीचे आए या उनमें ज़्यादा स्ट्रेंथ है, हमें ये पता चल रहा है। ठीक है, तो ये एक पहला पॉइंट हो गया था मेरे लिए कि आज भी गैप ओपन हुआ था। आपको दिखता है कि आज भी लाइक मार्केट गैप ओपन हुआ, पर वो जो मैं हमेशा क्या करता हूँ, लाइक गैप ओपन होने के बाद गैप फिल करने के लिए मार्केट आ सकता है तो एक छोटा सा पुट में स्कैल्प मार लेता हूँ। पर आज मैंने वो क्यों नहीं किया, इसी के बेसिस पे, क्योंकि मुझे दिख गया था कि भाई आज ये कॉल वाले हैं उनमें ज़्यादा स्ट्रेंथ है, इसलिए मैंने आज मैंने पुट में काम नहीं किया था। हमें सिर्फ ये पता था कि भाई पुट में काम नहीं करना, पर कॉल के लिए कोई सेटअप बने, कुछ बने, तब हम ट्रेड करने वाले थे। तो आपको क्या दिखता है इस तरीके से, मतलब आपको 5 से 6 मिनट आपको दिखता है कि सिर्फ कैंडल घूमे जा रही हैं, बन रही हैं, एक ही जगह पे जा रही हैं, ना ही ऊपर निकल रही हैं ना ही नीचे निकल रही हैं। तो ये एक छोटा सा सॉर्ट ऑफ साइडवेज मार्केट आप बोल सकते हो, छोटा सा साइडवेज मार्केट, और ये एक ट्रेंड लाइन था। तो मैं लाइक इसी ट्रेंड लाइन ब्रेक पे काम करने वाला था, पर क्या होता है ना कि बहुत बार ऐसा होता है कि लाइक ऐसे ही कोई ट्रेंड लाइन ब्रेक होता है, उस पे जाता है, फिर मार्केट इस तरीके से नीचे आ जाता है। क्योंकि ये तो सबको दिख रहा है ना कि ये एक ट्रेंड लाइन फॉर्म हुआ, ट्रेंड लाइन ब्रेक किया, तो लाइक ब्रेकआउट समझ के बहुत सारे लोग यहाँ एंट्री किए होंगे। तो इसीलिए मैं इस ब्रेकआउट पे नहीं गया, मैं वेट किया, एक रिटेस्ट टाइप का हुआ, एक रेड कैंडल बना और फिर ये वाली जो कैंडल था, ये नेक्स्ट कैंडल में मैंने अपना एंट्री प्लान किया था, जो आपको यहाँ दिखता है। मतलब लेते लेते वो थोड़ा ऊपर हो गया था, तो लाइक मेरा एंट्री यहाँ हुआ था और उसके बाद मेरा 10 पॉइंट का टारगेट और इसी लाइन के नीचे जस्ट स्टॉप लॉस था कि भाई जैसे रिवर्स करे मार्केट, खट से ना निकल जाऊँ, ज़्यादा लॉस हो ही ना। तो एक 10 पॉइंट का मेरा ट्रेड बना और उसके बाद थोड़ा मार्केट ऊपर गया, फिर एट द एंड नीचे ही आ गया। तो ये हमारा पहला ट्रेड था। अब मैं आपको दिखाता हूँ दूसरा ट्रेड मैंने क्यों किया था, कैसे किया था, उसके पीछे क्या लॉजिक था। सेम यही चीज़ जो मैंने आपको यहाँ दिखाया कि लाइक यहाँ एक सॉर्ट ऑफ साइडवेज मार्केट था, इसी साइडवेज मार्केट को आपको दिख रहा है कि यहाँ भी एक छोटा सा साइडवेज मार्केट सा बन रहा है, मतलब एक ही जगह पे बहुत सारे कैंडल बन रहे हैं। तो ये मैंने, और देखो पहला चीज़ ये था और दूसरा ये था कि ये जो आपको कैंडल दिख रही ना, ये डॉजी बोल सकते हो, इंडिसीजन बोल सकते हो, ये कैंडल बनता है तो लाइक अगर ये बॉटम पे बनता है तो वहाँ से मार्केट रिवर्स करने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। अब मुझे ये देखो, मुझे ये कैंडल देख कितना लगा था कि लाइक ये कैंडल बन गया, मैं एक और कैंडल तक वेट किया नेक्स्ट वाली कैंडल में, क्योंकि देखो मुझे क्या लग रहा था कि ये जो मेरा जोन है, ये जोन ब्रेक होने से पहले मैं एंट्री कर लूँ क्योंकि बाद में एंट्री मिलेगा नहीं। तो मैं यहाँ ही एंट्री किया और मैंने 5 पॉइंट का एसएल रखा और मैंने जहाँ एंट्री किया वहीं से लाइक ये स्टॉक घूमा और मतलब ये कैंडल घूमी और मेरा डायरेक्ट एसएल ले गया। तो मेरे को ज़्यादा सोचने या करने का टाइम नहीं मिला, ये शायद 10 से 15 या 20 सेकेंड में ये चीज़ हुई होंगी। तो मेरा इसमें एसएल गया, मैं एसएल लेके मार्केट से बाहर हो गया। और इस तरीके से फिर मैंने कुछ देर वेट किया और इस तरीके से ये एक ट्रेंड लाइन को फॉलो करते हुए जा रहा था। पर अगर आप क्या देखते हो चार्ट पे कि लाइक जो हमारा प्रीमियम का चार्ट नहीं, इस जो हमारा स्पॉट का चार्ट है उस पर देखते हो कि यहाँ मतलब ये जो हमारा लेवल है, लेवल के नीचे मार्केट जा रहा था और यहाँ भी लेवल के नीचे जो मैंने ये लाइन ड्रॉ कर रखा है इसके नीचे मार्केट जा रहा था। और यहाँ आपको दिख रहा है एक सॉर्ट ऑफ कप बना के जा रहा है, लाइक कुछ ऐसा एक पैटर्न फॉर्म कर रहा है कुछ इस तरीके का। पर अगर आप देखते हो स्पॉट पे तो लाइक इस तरीके से सीधे एक लाइन जा रही है, इस पर कोई भी शेप नहीं बन रहा। ठीक है, ये मतलब मैं बताऊंगा कि इसके पीछे का रीज़न क्या है, बस आप सुनते जाओ। और देखो पहली चीज़ ये कि लाइक ये एक कप सा पैटर्न बना रहा था, जो ये वाला पैटर्न होता है ना, ये
मतलब ये कुछ ऐसा होता है, मैंने तो ये थोड़ा हो गया, पर मतलब आप लोगों को पता है ना कब पैटर्न कैसा होता है। तो वो मुझे एक फॉर्म होते हुए दिख रहा था छोटा मोटा, और साथ में क्या दिख रहा था कि लाइक ये देखो ये फ्लैट लाइन था, मार्केट इसके नीचे चल रहा था लेवल के नीचे, अब मार्केट लेवल के ऊपर चलने लगा है, आपको यहाँ दिखता है, और वहीं आपको क्या दिखता है अभी भी जो प्रीमियम चार्ट है यहाँ लेवल के नीचे मार्केट चल रहा है। तो इस स्पोर्ट को देखते हुए, क्योंकि अब देखो लेवल ब्रेक हो चुका था, एक ग्रीन एक रेड, एक ग्रीन एक रेड, तो मैंने और यहाँ ट्रेंड लाइन को भी फॉलो करा था, और एटलीस्ट जो हमारा लाइन था, लाइन के मतलब प्रॉपर ही अब आ चुका था, अब वही था कि लाइक लाइन को ब्रेक कर सकता है नहीं तो मतलब ब्रेकआउट दे सकता है नहीं तो ब्रेक डाउन दे सकता है, वो वाला लेवल था यहाँ। तो मैंने क्योंकि देखो सिर्फ छोटी छोटी चीज़ें जो आपको कन्फर्मेशन देती हैं, क्या ये देख रहे हो मूविंग एवरेज, मूविंग एवरेज के मार्केट क्या कर रहा था, ऊपर ट्रेड कर रहा था, और लाइक आज मैंने जो एक पहला ट्रेड किया था वो कॉल में किया था, दूसरा भी कॉल में किया था, एक में पैसे बने थे एक में नहीं बने थे। तो अब मैं फिर एक कॉल का ट्रेड ले गया, तो लाइक मैंने एक यहाँ ट्रेड प्लान किया था, और इस तरीके से जैसे ही 10 पॉइंट मिले मैं निकल गया, और उसके बाद भी आपको देखते हैं कि थोड़ा बहुत मतलब इसमें 15 पॉइंट तक मिल सकता था, अगर टॉप तक देखा जाए तो 16 पॉइंट मिलता, पर मैं यहाँ 10 पॉइंट लेके निकल गया था मार्केट से। सो गाइस अगर आज की वीडियो से आपको अगर कुछ लेके जाना है तो सिर्फ ये 2 पॉइंट लेके जाओ कि एक मैं कैसे स्कैल्प ट्रेड करता हूँ, तभी भी मैं 2-3 ट्रेड में ही सीमित रहता हूँ, लाइक नहीं तो बहुत लोग ऐसे होते हैं कि स्कैल्प करते हैं पर दिन के 8-8, 10-10 उनके स्कैल्प हो जाते हैं, मतलब 2-3 स्कैल्प उनके रॉन्ग हो गए तो अब प्रॉफिट को रिकवर करने के लिए 3-4 स्कैल्प मारेंगे, फिर कुछ प्रॉफिट बनाने के लिए स्कैल्प मारेंगे, तो उनका प्रॉफिट का 60-70% ब्रोकरेजेज में ही निकल जाता है। तो इसीलिए ज़्यादा स्कैल्प करना कोई अच्छी बात मतलब मुझे नहीं लगता कि उसका कोई सेंस बनता है, इसलिए मैं स्कैल्प भी कर रहा हूँ तो 2-3 कर रहा हूँ। तो अगर आप इंट्राडे ट्रेड कर रहे हो तो सोच लो आपको तो एक या दो ही मैक्स में करना ही है। और जो आप दूसरी चीज़ लेके जा सकते हो कि अगर आप प्राइज एक्शन ट्रेडर बनना चाहते हो, जो लोग प्राइज एक्शन का इतना हाइप होता है कि लाइक प्राइज एक्शन ट्रेडर हूँ भाई, प्राइज एक्शन सीखो, ये सीखो वो सीखो, तो देखो प्राइज एक्शन में ऐसा कुछ भी रॉकेट साइंस नहीं होता, बस ये होता है कि लाइक आप किस तरीके से मार्केट को देख रहे हो, 2-3 चीज़ों को देख के आप क्या ऑब्जर्व कर रहे हो, क्या देख रहे हो, उसके बाद आपको क्या लग रहा है, आपको उस पर ट्रेड करना होता है। और अगर आपको दिक्कत होता है ना कि भाई हमें ये सब नहीं दिखता, इतना सब नहीं समझ में आता देख के, तो देखो ये मैटर का ये मतलब ये थोड़ा टाइम का बस वो है, ठीक है कि बस आप थोड़ा मतलब डेली चार्ट पे टाइम देने लगो और एक ऐसा पॉइंट आएगा कि आपके दिमाग में वो पैटर्न्स रिपीट होने लगेंगे कि हाँ यार ये वाला पैटर्न उस दिन देखा था, कि हाँ यार ऐसा कैंडल तो उस दिन भी फॉर्म हुआ था और उस दिन ऐसा मोमेंटम हुआ था या उस दिन ये हुआ था, तो वो आपके दिमाग में चलने लगेंगे। जब ऐसा चलने लगेगा ना तो आप दूसरी या तीसरी बार से उस चीज़ को ऑब्जर्व करोगे, फिर चौथी पांचवी बार से आप उस पर ट्रेड करने लगोगे, ठीक है। तो इस तरीके से कुछ चीज़ें काम करती हैं, प्राइजेक्शन में कुछ नहीं है सिर्फ ऑब्जर्वेशन रहता है। आई होप ये वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी होगी, और फिर मिलते हैं कल एक और ट्रेड एक्सप्लेनेशन की वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।